क्लास सेवेंथ स्टूडेंट, हम लोग का SSV चैप्टर चल रहा था। उसमें आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा पर्यावरण, उसके आगे पढ़ेंगे परितंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? परितंत्र, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ये समस्त जीवधारियों के आपस में एक दूसरे के साथ अथवा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। यानी कि परितंत्र क्या होता है? जीवधारी जो होते हैं किसी एक प्लेस पर रह रहे हैं, वहाँ पे आसपास में जो वातावरण है उनका, चाहे वो फिजिकल भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, वो कारकों के साथ क्रिया करके अपने आप निवास करते हैं। जैसे कि हम इस पर आगे समझ में आएगा, वो पढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ये सब ऊर्जा के स्थानांतरण, ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होता है। यानी जो क्रियाएं हो रही हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रियाएं, ये सब किसके वजह से हो रही हैं? सिर्फ उसे हमारे ऊर्जा का स्थानांतरण के वजह से हो रही है, उसी वजह से ये सारी क्रियाएं स्थापित हो पाती हैं, ठीक है। जहाँ एक परितंत्र की सीमा का प्रश्न है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे प्रयोग में करते हैं। हमें पूरा परितंत्र एक पत्थर के नीचे मिल सकता है, दूसरी तरफ हमें पूरे जैवमंडल के परितंत्र की बात कर सकते हैं। यानी कि ये जो परितंत्र होता है, इकोसिस्टम जो होता है पूरा, ठीक है, ये हमें एक पत्थर के नीचे भी मिल सकता है पूरा कंप्लीट, और पूरा अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर ही पूरा परितंत्र है उसकी बात भी कर सकते हैं। यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। परितंत्र अलग अलग क्षेत्र हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे कि बात करते हैं, परितंत्र एक छोटे पोखरण, पृथ्वी की सतह पर कहीं जमा थोड़ा सा जल को लेकर प्रशांत महासागर जितना विशाल हो सकता है। परितंत्र में जीव अजीव सभी सम्मिलित होते हैं। यानी कि परितंत्र जो होगा, जो पोखरण में जैसा परितंत्र चल रहा है, उसमें मेंढक होंगे, ठीक है, छोटी छोटी मछलियाँ होंगी, उसमें थोड़े से पौधे लगे होंगे, ठीक है, उन सब का आपस में कैसा क्या क्या चल रहा है, कौन किसको खा रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, ऊर्जा ले रहा है, ठीक है, तो वो छोटा सा हो गया। और प्रशांत महासागर में वही चीज़ देखने को मिलेगी बड़े स्तर पर, वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी और अलग अलग तरह के जीव होंगे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, तो वो सपने देखने को मिल सकती है। या बहुत छोटे समूह में भी एक छोटे जोड़े पर रहते हैं। पोखरण, आइए पोखरण का उदाहरण देखते हैं। इसमें सबसे पहले तापमान, वायुमंडल, गहरी धूप, पवन, पौष्टिक आदि को देखते हैं। ये पोखरण में परितंत्र की अजीब वस्तुएं हैं। जब हम इसमें जीवों का संबंध जोड़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है परितंत्र कितना जटिल है, एक पोखरण भी कितना अद्भुत हो सकता है। यहाँ पे इससे आपको समझ में नहीं आया, तीसरी बात इसमें कि जब हम एक पोखरण को देखते हैं तो उसमें पोखरण जो है, यानी कि गड्ढा सा है पानी का भरा हुआ, उसमें तापमान, यानी कि उसके अंदर जब सर्दी गर्मी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, गहरी धूप पड़ रही है तो कितना अंदर धूप पहुंच रही है, पानी गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है, हवा से क्या प्रभाव पड़ता है उसमें, ठीक है, उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व की मात्रा है वो कम है ज़्यादा है, और हिसाब से उसके अंदर जो जीव रह रहे हैं वो कैसे उस पौष्टिक तत्व को यूज़ कर रहे हैं, धूप का क्या असर पड़ रहा है उन पर, ये सब कितना जरा सा छोटा सा पोखरण भी कितना अद्भुत हो सकता है, ये बताना चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कौन सा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वो है भौतिक और जैविक पर्यावरण में अंतर संबंध। यानी कि भौतिक और रासायनिक जो जैविक लोग हैं आपस में पर्यावरण किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं उसके बारे में, ठीक है। भौतिक और जैविक पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। भौतिक से मतलब यहाँ पे है जल वायु वगैरह होती है, एटमॉस्फेयर है, ये सब कैसे बदल रहा है, और जैविक में यहाँ पे जो पर्यावरण जीव जंतु रह रहे हैं वो किस हिसाब से रह रहे हैं उसमें मतलब है। भौतिक पर्यावरण प्रारंभिक ऊर्जा सूर्य से लेते हैं। जो भौतिक पर्यावरण होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है। वायु जल स्थलाकृतियाँ में परिवर्तन सीधे और परोक्ष रूप में सौर ऊर्जा के कारण होता है। यानी कि जो भौतिक, जैसे बात करें नदियाँ, वायु है, वायु में परिवर्तन हो, कभी तेज चल रही है कभी धीमी चल रही है, वो किसकी वजह से चल रही है, सूर्य की वजह से चल रही है, परोक्ष रूप में या इन परोक्ष मतलब डायरेक्ट, अपरोक्ष मीन परोक्ष सीधे या परोक्ष रूप में, यानी कि विपरीत तरह से या कुछ और हो रहा होगा फिर से हो जाएगा इस तरह से। किससे वजह से होता है, सौर ऊर्जा की वजह से होता है, ठीक है। जैसे परोक्ष सीधे तौर पर नहीं तो परोक्ष रूप में बताएं कैसे, जैसे बारिश हो रही, बारिश कैसे सूर्य की वजह से, कैसे बारिश हो रही है, सूर्य की वजह से ऐसे बारिश हो रही है, सूर्य की गर्मी पड़ी, पानी वाष्प बना, उसके बाद पानी हवा में गया, हवा में जहाँ ठंडा हुआ थोड़ा सा वहीं बारिश हो गई, इस तरह क्या हुआ, परोक्ष रूप में भी सूर्य से जुड़ गया पानी, ठीक है। ऐसे इससे जैविक पर्यावरण प्रभावित होता है। इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, जो ऊपर जल वायु स्थापित है, इनसे जैविक पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पादप और जीव अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए थल, वायु, जल और सूर्य पर आश्रित होते हैं। जो पादप यानी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जो किस पर निर्भर होते हैं, ये यही सब जल वायु पर और स्थाकृतियों पर ही निर्भर रहते हैं और सूर्य पर, ठीक है। ये भौतिक अवयव जैविक पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, बदलती हुई परिस्थिति में जीव पादपों की कई प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं और कई नई प्रजाति का उदय होता है। मानव की क्रियाकलाप से भौतिक पर्यावरण में कोई बदलाव
कई बदलाव आए हैं। इसके अलावा क्या होता है, इन सब का इफेक्ट किस पे पड़ता है, कई कई कुछ कौन से चीज वो जीव होते हैं जिनको पर्याप्त भौतिक या जैविक पर्यावरण उस टाइप से नहीं मिल पाता, तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, मानव की वजह से भी कई ऐसी चीज है जो विलुप्त हो गए, जैसे हम बात करें शेरों की या पुराने टाइम के जानवरों की, ऐसे ठीक है एक डोडो पक्षी था, ऐसे बहुत सी प्रजातियां हैं जो मनुष्य ने ज्यादा शिकार किया उनका, या अधिक आवश्यकता से अधिक उनका प्रयोग किया किसी अपने स्वार्थ के लिए, तो उनकी जीवों क्या हो गई, विलुप्त हो गई हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव और पर्यावरण, ह्यूमन बींग और एनवायरमेंट में क्या संबंध है। ठीक है, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है, यानी क्या करता है, मनुष्य जो है वो पर्यावरण से क्रिया करके अपनी चीजें लेता और जो उनकी जरूरत होती है उसके अलावा पर्यावरण को उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देता है। जैसे कहीं पे जंगल था, अब मनुष्य को रहने की जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, जंगलों को काट दिया, तो उसने क्या किया, परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से आवश्यकता के अनुसार। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति का रूप बना लिया था, समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, आज मानव उसकी गतिविधि पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले क्या था, हम लोग पर्यावरण के अकॉर्डिंग काम करते थे, अगर रहने के लिए जमीन नहीं है तो हम लोग पेड़ों पर रह रहे हैं, ठीक है इस तरह से कई चीजों में मैनेज कर ली, लेकिन क्या है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जा रहे हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। और किन किन माध्यम से, कृषि, भवन निर्माण उद्योग, यातायात, मानवीय गतिविधियां पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि क्षति कम हो तो प्रकृति स्वयं को ठीक कर लेती, क्या होता है, ये सब चीजें निर्माण जो हम लोग करते हैं इससे क्या होता है, प्रकृति को नुकसान होता है, अब थोड़ा बहुत नुकसान हो तो प्रकृति क्या कर लेती, इसको ठीक कर लेगी किसी ना किसी माध्यम से, लेकिन जब ये क्षति बहुत अधिक मात्रा में हो तो क्या हो जाता है, बहुत बड़े बड़े प्रकृति का संतुलन वो बिगड़ जाता है। जैसे ध्रुवों पर हिम शिखर होते हैं जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाते हैं, कई जो जीव जंतु हैं वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, और प्रदूषण को खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, आज हमें पर्यावरण संबंधी मामलों पर संवेदनशील और जागरूक होने की आवश्यकता है, हमारा प्रयास पर्यावरण को हानि होने से बचाना होना चाहिए, यानी कि हमारा जो मेन प्रयास है, मेन वो मोटिव होना चाहिए कि अपनी सहूलियत के नहीं पर्यावरण को नुकसान ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, थैंक यू।